Hi guys, मैं हूँ स्नेहा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो कुछ बेस मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, सीरम, पाउडर, इनको किस ऑर्डर में लगाते हैं और इनको कैसे लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये जो सारे बेस मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से सबसे पहले आता है कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अगर आप अपने चेहरे पे लगाना चाहते हैं। तो जैसे सीरम, सीरम आपके स्किन के लिए बहुत जरूरी है। नो मैटर आपकी स्किन टाइप ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन या नॉर्मल हो, सीरम आपके फेशियल स्किन के ऑयल एंड वाटर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसमें स्टेप नंबर वन है सीरम एप्लीकेशन। तो फेशियल सीरम के तौर पे मैं ये एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सीरम इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। तो सीरम एप्लीकेशन के लिए आपको करीब 3-4 ड्रॉप्स किसी भी सीरम की अपने हथेली पे इस तरीके से लेना है और आपको इस तरीके से मसाजिंग करके अपने पूरे चेहरे पे सीरम अप्लाई कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मेकअप और फ्लॉलेसली आपके स्किन पे ग्लाइड हो, आपकी स्किन पहले से ज्यादा बेटर हो, तो सीरम एप्लीकेशन मेकअप को अप्लाई करने से पहले बिल्कुल जरूरी है। तो सीरम एप्लीकेशन के बाद स्टेप नंबर टू होता है प्राइमर लगाना। तो प्राइमर के लिए मैं ये बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर इस्तेमाल करूंगी। आई थिंक मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर्स की कैटेगरी में अगर कुछ आता है तो वो ये बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर है। प्राइमर के लिए आपको करीब 1 बड़ी ड्रॉप प्राइमर की अपने उंगली पे इस तरीके से लेना है एंड जो भी आपके एरिया पे ज्यादा पोर्स हैं या आपको लगता है कि वो एरिया जल्दी ऑयली हो जाता है, सिर्फ उन्हीं एरियाज पे आपको प्राइमर अप्लाई करना है। जैसे मेरे नाक के आसपास और मेरे नाक के आसपास जो ये चिन एरिया है, यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा ऑयलीनेस देखने को मिलती है एंड यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत पोर्स देखने को मिलते हैं। तो प्राइमर को आपको पूरे चेहरे पे फेस क्रीम की तरह अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आपके पूरे चेहरे पे गड्ढे या ओपन पोर्स हो, सिर्फ ऑयली एरियाज पे आपको प्राइमर एप्लीकेशन कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको करीब 1 मिनट तक किसी भी अपनी क्रीम या जो फेशियल जेल है उसकी तरह इसे अप्लाई करना है। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो इन सभी में से जैसे फाउंडेशन या कंसीलर है, वैसे तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अगर आपको दोनों इस्तेमाल करने हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कंसीलर अप्लाई करें, क्योंकि जो भी आपके स्किन का प्रॉब्लम एरिया होगा, डार्क सर्कल्स, कोई दाग धब्बे, कोई मार्क्स जिन्हें आप छुपाना चाहते हैं, तो पहले आप उनको कंसीलर से हाइड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, फाउंडेशन की जितनी यूजेज होगी वो कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो भी फेस का अनइवननेस है वो आप कंसीलर से हाइड कर चुके होंगे। तो कंसीलर के तौर पे मैं ये एली गर्ल का प्रो कंसील HD इस्तेमाल करूंगी। तो कंसीलर एप्लीकेशन को आपको अपने स्किन के प्रॉब्लम एरियाज, यानी कि कोई ऐसे डार्क सर्कल्स या मार्क्स आप छुपाना चाहते हैं, सिर्फ वहीं कॉन्सेंट्रेट करें। कंसीलर आपके फाउंडेशन का कह सकते हैं थिकर या गाढ़ा वर्जन होता है। तो ये बहुत ज्यादा एक तो पिगमेंटेड होता है एंड बहुत ज्यादा थिक होता है, तो इसको ब्लेंड करना फाउंडेशन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए इसको पूरे चेहरे पे लगाना मैं एडवाइज नहीं करूंगी। तो इसको अपने अंडर आईज पे इस तरीके से, अगर आंख के ऊपर डार्कनेस है तो थोड़ा बहुत इसको आईज पे भी लगा लीजिए, क्योंकि इसमें इस तरीके की ब्रश लाइक टिप है और ये मेरा फेवरेट कंसीलर में से एक है। तो इसका शेड मेरी इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत बेहतरीन है। कोई भी पॉपुलर ब्रांड इंडिया में मेरे हिसाब से इतना अच्छा कंसीलर नहीं बनाता। अब आप चाहे तो अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रश का इस्तेमाल करके भी अपने कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। देखेंगे जब कंसीलर से आपकी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस लगने लगेगी तो जो फाउंडेशन की क्वांटिटी है, एक तो आप वो बहुत कम इस्तेमाल करेंगे एंड कई बार आप फाउंडेशन को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा स्टेप नंबर 4 है फाउंडेशन एप्लीकेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे 925 नेचुरल के फाउंडेशन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करूंगी। ये एक बहुत ही लाइट वेट नेचुरल फिनिश का एवरीडे फाउंडेशन है। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स अपने हथेली पे लेके इसे पूरे चेहरे पे मैं डॉट कर लूंगी। ये बहुत रनी एंड लाइट वेट फाउंडेशन है, इसका एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके के ही फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें जिनको अप्लाई करने में बहुत मुश्किल नहीं होती एंड क्योंकि ये बहुत रनी फाउंडेशन है तो स्पंज का इस्तेमाल इसमें नहीं हो सकता,
एंड फिंगर्स से भी ये बहुत अच्छा दिखेगा नहीं चेहरे पे, तो इसके एप्लीकेशन के लिए भी ब्रश बेस्ट रहता है। तो ब्रश को इस तरीके से अपने चेहरे में नीचे की तरफ और बाहर की तरफ करके अपने लिक्विड फाउंडेशन को ब्लेंड कर लीजिए। एंड स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप इन बेस मेकअप एप्लीकेशन इज पाउडर एप्लीकेशन। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो इस तरीके का एक कॉम्पैक्ट पाउडर आपके लिए बेस्ट रहेगा। कॉम्पैक्ट पाउडर में मैं ये रिमेल का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको इस तरीके के ब्रश में पाउडर को इस तरीके से घुमाना है एंड जो भी आपके चेहरे का ऑयली एरिया है या जो कुछ देर बाद बहुत पसीने में एकदम लथपथ एंड ऑयली दिखने लगता है, तो उस एरिया के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरीके से लगाना बहुत अच्छा रहता है। ये आपके मेकअप का जो वेयर टाइम है यानी कि उसको आपके चेहरे पे स्टे के टाइम को बढ़ाता है। मेरी ऑयली स्किन है तो मेरी स्किन के लिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर मस्ट है। इनफैक्ट काफी बार मैं यही करती हूँ एवरीडे मेकअप लुक के लिए। जब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता तो मैं अंडर आईज पे थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट काजल एंड लिपस्टिक लगा के मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं वो जो इंस्टेंट ड्यूई या शाइनी इफेक्ट था उसको इसने मैट कर दिया है एंड मैं इसको थोड़ा सा अपने नेक पे भी लगा लूंगी। और आपका बेस मेकअप इज कम्प्लीटली डन। इसके बाद आप सिर्फ एक काजल लगाएं, एक लिपस्टिक लगाएं और आप बाहर जाने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट आप शॉपिंग, आप डे आउट पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरीके का लुक परफेक्ट रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं किसी बिगिनर के लिए या जो मेकअप कर भी रहे हैं उनके लिए भी, तो मैंने आज की वीडियो में बताया कि किस ऑर्डर में इनको लगाएं और इन्हें किस तरीके से लगाना बेस्ट रहता है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आ रहे गोल आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।